आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो सुंदर सा रास्ता है, ये कनेक्ट करता है लद्दाख को, यानी कि ये वाला जो स्ट्रेच है ये सोनमर्ग का रास्ता है जो श्रीनगर को लद्दाख, लेह, करगिल उसके साथ कनेक्ट करता है। ये रास्ता दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी है। कई लोग जिन्होंने इस रास्ते से सफर किया है लद्दाख जाने के लिए अपनी जान गवा बैठे, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए आपको एक ट्रैक कवर करना पड़ता है, यानी कि एक ट्रैक से होकर आपको गुजरना पड़ता है जिसका नाम जोजिला है, जो बहुत ही खौफनाक ट्रैक माना जाता है। अभी तक काफी लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई है। हाल ही में टूरिस्ट की जो एक बस थी वो भी हादसे का शिकार हुई, इसी तरह मिलिट्री की कुछ गाड़ियां हैं वो भी हादसे का शिकार हुई। अब मजीद जाने जाया ना हो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि है एक टनल का प्रोजेक्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। कई सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम लगातार जारी है और ये जो प्रोजेक्ट है ये डायरेक्टली श्रीनगर को जोजिला के थ्रू होते हुए लेह लद्दाख के साथ कनेक्ट करेगा। और ये कहा जा रहा है कि 2025 तक इसका काम जो है मुकम्मल हो जाएगा और 26 में ऑफिशियली लोगों की आवाजाही के लिए इस टनल को खोला जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी इस पे काम चल रहा है। और इस टनल की जो खासियत है वो ये है कि एक स्मार्ट टनल है, यानी कि न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि ये जो है फुली इक्विप्ड है विद मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दैट इंक्लूड्स फुली ट्रांसवर्स्यू वेंटिलेशन सिस्टम, साथ ही साथ इसमें सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वहाँ होगी, इमरजेंसी लाइटिंग होगी, वेरिएबल मैसेज साइंस होंगे और साथ ही साथ ट्रैफिक लॉगिंग इक्विपमेंट एंड टनल रेडियो सिस्टम। देखिए इस जोजिला टनल की अगर हम बात करें तो लद्दाख के जो लोग हैं उनकी लगातार डिमांड थी कि ये टनल बनाया जाना चाहिए। अब चूंकि मिलिट्री की भी बात करें, जो टेंशंस इंडिया और चाइना की भी चल रहे हैं, तो ये जो है तब अगर कुछ कंडीशन खराब होती है तो तब ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। लद्दाख के लोग खासकर बहुत खुश है कि ये टनल बनने जा रहा है, क्योंकि अक्सर लद्दाख के लोग जो इस हाईवे से ट्रैवल करते थे एक्सीडेंट्स का शिकार होते थे, लैंडस्लाइड्स, एवलांच, वो सारी चीज़ें उन्होंने आज तक फेस की है। लेकिन बहुत जल्द उनको जो है ये खुशखबरी मिलने वाली है कि ये जो टनल है लोगों की आवाजाही के लिए खोला जाएगा और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व की जाएगी। अभी ये आप देख सकते हैं इस टनल के अंदर मैं हूँ और देख लीजिए स्ट्रेच कितना लंबा है और बहुत मुश्किल था। ये एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है वो इसलिए क्योंकि एक ये जो बेल्ट पूरा है पूरा रॉकी है, माउंटेन है, और इसको खोदना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हाई एंड इक्विपमेंट्स लगे हैं, हाई एंड मशीनरी लगी है, हाई एंड व्हीकल्स लगी है इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए। और अब लोगों को इंतज़ार है कि कब उनकी जो मुश्किलात हैं उनकी आसाइश हो और कब ये टनल लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। यास्मीन खान, आवाज़ द वॉइस।